YouTube से पैसा भी आ रहा, तो अभी मैं सेलिब्रेट नहीं कर रहा, जब तक 1 मिलियन नहीं आता उससे पहले कुछ सेलिब्रेट नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने कैरी मिनाटी की वीडियो में देखा, तो कैरी मिनाटी ने उस वीडियो में कहा था कि जब मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस हो जाएंगे तो तब मैं सेलिब्रेट करूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, वहीं पर अगर हम आज का स्टैटिक्स देखें, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आज का स्टैटिक्स, तो उनके पर डे के हिसाब से 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज द हार्ड वर्क। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब की, मतलब अगर आप कौन से प्लेटफॉर्म पे जाए कि आप जल्दी ग्रो कर सकते हैं, उसके लिए फ्रेंड्स हमको कुछ 7 पॉइंट्स के बारे में बहुत ही बारीकी से डिस्कस करना होगा, जो कि आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें अर्निंग, डेली कितने घंटे की वीडियो अपलोड होती है, कितनी वीडियोस अपलोड होती है, कितने लैंग्वेज में अपलोड होती है, मतलब टिकटॉक या फिर यूट्यूब कितने लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, और फ्रेंड्स कौन से ऐप पे ज़्यादा आपको बिजनेस देखने को मिलता है। हेलो फ्रेंड, दिस इज बॉय आयुष दांगे। आज की वीडियो में बेसिकली बात करेंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा अच्छा है, टिकटॉक ज़्यादा अच्छा है या फिर यूट्यूब ज़्यादा अच्छा है। तो बेसिकली वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मूव करते हैं हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वॉच टाइम। तो अगर फ्रेंड्स अगर हम यूट्यूब की बात करें, तो यूट्यूब पे आपको डेली 1 बिलियन आवर्स वॉच टाइम देखने को मिल जाता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर वहीं पे हम टिकटॉक की बात करें, तो टिकटॉक पे आपको 1 बिलियन यूजर्स डेली जो है टिकटॉक की वीडियोस देखते हैं। तो अगर हम 1 बिलियन यूजर्स को आवर्स में कन्वर्ट करें, तो फ्रेंड्स ये आपका तकरीबन 8.25 मिलियन घंटे के करीब निकल के आएगा, जो कि फ्रेंड्स यूट्यूब से बहुत ही कम है। यूट्यूब पे आपको 1 बिलियन आवर्स देखने को मिलते हैं, एंड वहीं पे टिकटॉक पे 8.25 मिलियन घंटे देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी टिकटॉक को यूट्यूब के वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो फ्रेंड्स, मूव करते हैं अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि एक्टिव यूजर्स एक दिन में कौन से ऐप पे ज़्यादा आते हैं, या कि या तो यूट्यूब पे ज़्यादा आते हैं या फिर टिकटॉक पे ज़्यादा आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब पे आपको 2 बिलियन यूजर्स एक दिन में देखने को मिल जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, वहीं पे अगर हम टिकटॉक की बात करें, तो टिकटॉक पे एक दिन में एक्टिव यूजर्स जो है वो है सिर्फ 800 मिलियन, जो कि फ्रेंड्स अभी यूट्यूब से बहुत ही कम है। तो फ्रेंड्स, इस मामले में भी हमारा जो यूट्यूब है वो थोड़ा सा आगे है। सो फ्रेंड्स, हमारा थर्ड पॉइंट है स्पीक्स फॉर लैंग्वेज। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि जो यूट्यूब है एंड जो टिकटॉक है, उनमें से कौन से ऐप में ज़्यादा लैंग्वेजेस आपको देखने को मिल जाती है, मतलब ओवर वर्ल्ड वाइड कौन से ऐप में ज़्यादा लैंग्वेजेस यूज होती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब पे 80 लैंग्वेजेस से ज़्यादा आपको ओवर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट पे देखने को मिल जाती है। एंड फ्रेंड्स, वहीं पे अगर हम टिकटॉक की बात करें, तो टिकटॉक पे आपको सिर्फ 39 लैंग्वेजेस ही देखने को मिलते हैं, जो कि फ्रेंड्स अभी भी बहुत कम है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको, मतलब टिकटॉक को यूट्यूब जितना पहुँचने में बहुत ही ज़्यादा अभी टाइम लगने वाला है। फ्रेंड्स, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूजेज बाय जनरेशन। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि कौन सी जनरेशन, कितने से कितने ईयर्स की जनरेशन आपका यूट्यूब यूज़ करती है, कितने से कितने ईयर्स की जनरेशन आपका टिकटॉक यूज़ करती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे टिकटॉक की, तो टिकटॉक आपका 16 साल के बच्चे से लेके आपका 22 साल के बच्चे यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, मैक्स टू मैक्स आपका 25 ईयर्स तक के बच्चे टिकटॉक को यूज़ करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम वहीं पे बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब आपका 18 साल से बच्चे से लेकर और 44 साल तक के बच्चे को बच्चे यूज़ करते हैं, मतलब कि जो कंटेंट क्रिएटर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो फ्रेंड्स सारे लोग देखने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं कंटेंट क्रिएटर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक वाइड पॉपुलेशन जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है 18 साल से लेकर 44 साल तक, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, इस मामले में भी यूट्यूब है वो एक वाइड पॉपुलेशन को कवर करता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। फ्रेंड्स, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अर्निंग्स के ऊपर। तो अगर हम यूट्यूब पे बात करें, तो यूट्यूब पे आपकी अर्निंग्स ज़्यादा होती है बजाय टिकटॉक के, बिकॉज फ्रेंड्स आपका यूट्यूब पे आपको भी पता है कि मोनेटाइजेशन फीचर अवेलेबल है, तो एक टाइम पीरियड के बाद जो यूज़र है उसका मोनेटाइजेशन एनेबल हो जाता है, जिससे कि वो यूज़र मनी अर्न करने लगता है। और फ्रेंड्स, वहीं पे अगर हम टिकटॉक को देखें, तो टिकटॉक पे ज़्यादा अर्निंग्स नहीं हो पाती है या फिर ना के बराबर अर्निंग होती है। तो वहाँ पे अर्निंग्स कैसे होती है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, टिकटॉक पे बेसिकली लोग स्पॉन्सरशिप से अर्निंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा अर्निंग्स वाला पॉइंट। फ्रेंड्स, अगर हम यूट्यूब पे स्पॉन्सरशिप की बात करें, YouTube पे फ्रेंड्स एक तो स्पॉन्सरशिप हो गई, और ऊपर से फ्रेंड्स YouTube जो एड्स चलाती है उसके भी आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन TikTok पे सिर्फ स्पॉन्सरशिप से ही अर्निंग होती है। तो फ्रेंड्स,
यहाँ पे जो आपका YouTube है वो वही ज्यादा एडवांटेज ले जाता है। तो फ्रेंड्स अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस। तो फ्रेंड्स आपका YouTube पे जैसे कि ज्यादा अर्निंग्स होती है तो 62% जो लोग हैं इन द वर्ल्ड वो YouTube को यूज करना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक टाइम पीरियड के बाद, आपको जैसे पिछले पॉइंट में बताया, एक टाइम पीरियड के बाद वहाँ पे अर्निंग्स होने लगते हैं बजाय YouTube पे। YouTube पे फ्रेंड्स अभी जो कोई भी बिजनेस नहीं करता है बिकॉज वहाँ पे अर्निंग्स नहीं होती है, वहाँ पे मोनेटाइजेशन फीचर अवेलेबल नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें TikTok फॉर बिजनेसेस तो फ्रेंड्स वहाँ पे आप देखेंगे कि जो मोनेटाइजेशन फीचर है वो थोड़े दिन में TikTok में आने वाला है। फ्रेंड जैसे ही मोनेटाइजेशन फीचर TikTok में आ जाएगा तो लोग वहां से भी अर्निंग करना चालू कर देंगे एंड बिजनेस जो है वहां पे भी होने लग जाएगा। फ्रेंड्स अब मूव करते हैं हम लास्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा लास्ट पॉइंट है लॉन्गेस्ट वीडियो अपलोड। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको ही पता है कि TikTok पे हम मैक्स टू मैक्स 60 सेकंड्स की वीडियो अपलोड कर सकते हैं एंड मिनिमम हम सिर्फ 15 सेकंड की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो वहां पे आपको 15 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का वेरिएशन आपको देखने को मिल जाता है। बट जो मैक्सिमम वीडियो जो अपलोड होती है वो सिर्फ 15 सेकंड की ही अपलोड होती है। 1 मिनट तक फ्रेंड बहुत ही कम वीडियो जाती है। एंड फ्रेंड्स अगर हम वहीं पे YouTube की बात करें तो YouTube पे आपको पता है कि जो एजुकेशन चैनल है वो 1 घंटे 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक की वीडियो को अपलोड कर देते हैं। एंड फ्रेंड्स वहीं पे अगर हम छोटी वीडियोज की बात करें YouTube पे तो छोटी वीडियोज भी YouTube पे 5 मिनट से 10 मिनट तक की हो जाती है। तो फ्रेंड्स अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड भी आपको YouTube पे ज्यादा देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स वो तो है ही, YouTube जो है एक लॉन्ग वीडियो, YouTube पे आपको लॉन्ग वीडियोस मिलती हैं एंड TikTok पे आपको शॉर्ट वीडियोस मिलती है। फ्रेंड्स वो तो क्रिएटर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्रिएटर जो अपनी बात को समझाना चाहता है वो या तो लॉन्ग वीडियो में समझा पाएगा या फिर शॉर्ट वीडियो में समझा पाएगा। ये तो फ्रेंड्स बेसिकली क्रिएटर के ऊपर डिपेंड है कि वो कंटेंट कैसा क्रिएट करता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।